हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक माय टेक्निकल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमनत और आपका बहुत स्वागत है माय टेक्निकल न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फिल्म मेकर्स या फिर फिल्म एडिटर्स है वो अपना ग्रीन बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे कुछ मनोरंजक बातें कैसे डालते हैं और कैसे उसे एनिमेट करते हैं। तो आपने बहुत सारे फिल्म्स देखी होगी, जैसे कि संजू है, बाहुबली है, इसमें बहुत सारे जो एनिमेशंस या फिर जो इफेक्ट्स डाले वो पूरे जो है वो बैकग्राउंड स्क्रीन ग्रीन के साथ लिया थे और उसके बाद उसे एडिट करके या फिर कुछ एडिटिंग वगैरह करके उसे कुछ मनोरंजक बनाया गया था। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अपना जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो यूज़ करते हैं और उसे कैसे रिमूव किया जाता है और उसके बदले में कैसे वहाँ पे मनोरंजक चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे मेरे पास वंडरशेल फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर में मेरे पीसी पे इंस्टॉल किया है, तो ये जनरली मेरा लाइसेंस वर्जन है। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें ये फंक्शंस दिया गया है, जैसे कि पावर डायरेक्टर है, उसके बाद फाइनल कट प्रो है। तो ऐसे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है उनमें लाइसेंस वर्जन में आपको ये इफ़ेक्ट जो है मिलता है। तो यहाँ पे एक मेरे पास नॉर्मल जो वीडियो है वो ग्रीन स्क्रीन के साथ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उसे। तो यहाँ पे आप उसे देख सकते हो कि ये वीडियो जो है वो पूरे ग्रीन स्क्रीन के साथ है। तो इसे मैं पहले तो ग्रीन बैकग्राउंड ले लेता हूँ या फिर कोई वीडियो जो है वो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। सिंपली अभी तो मैं फ़िलहाल कलर ले लेता हूँ एक बैकग्राउंड में, तो ये कलर कुछ अच्छा दिख रहा है, प्लस पे किया। तो इसके बाद मैं जो है वो मेरा वो वीडियो था ग्रीन स्क्रीन के साथ वो ले लेता हूँ। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो अभी के मैं बैकग्राउंड जो है वो बढ़ा देता हूँ ताकि रिजोल्यूशन जो है मेरा वो सेम रहे। एक बार इसे देख लेते कि ये कैसा है। अभी भी ये फ़िलहाल ग्रीन स्क्रीन के साथ ही है, लेकिन इसके पीछे वाला जो लेयर है वो मैंने ऐड किया है जो ग्रेडियंट 2 नाम से है। तो इसे मुझे अभी ये इफेक्ट जो है वो रिमूव करना है, तो मैं दिखा देता हूँ ये कैसे रिमूव करते हैं। तो सिंपली आपको इस लेयर पे या फिर जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ग्रीन स्क्रीन, तो जनरली जो फिल्म एडिटर है वो भी यही करते हैं। ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एक ऐसा एडवांस बॉक्स रहता है। सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कलर आपको इनविजिबल करना है वो कौन सा है। तो ऑटोमेटिक में ग्रीन कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हुआ। तो या फिर यहाँ से आप क्लिक करके जो दूसरा कोई कलर आपको डिसेबल करना है उस पर उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मेक पार्ट्स ऑफ द क्लिप ट्रांसपेरेंट, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो पीछे बैकग्राउंड है वो आपको दिखेगा, जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके का है। आप कौन सा भी कलर बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हो, फिर कौन सा भी आप वीडियो जो है वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं अभी इसे प्ले करके देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो इसका जो ग्रीन बैकग्राउंड था वो यहाँ से जा चुका है और उसके बाद आप इसे टाइम लाइन पे देख सकते हो। फिलहाल अभी ये लोड हो रहा है इसलिए कुछ कम स्पीड से दिखा रहे हैं, तो ये पूरा लोड होने के बाद ये आपको दिख सकता है। तो इसी में अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ स्क्रीन पे। मैं ले लेता हूँ इसे, एक मिनट, मैं ले लेता हूँ इसे इस कोने में, या फिर आपका जो वीडियो किसी भी इस स्क्रीन पे कहाँ भी लगा सकते हो इसे एडजस्ट करके। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे और फिलहाल फिर से मैं प्ले कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके बाद अभी सिंपली आपको ये एक्सपोर्ट मतलब कि वीडियो जो है वो सेव करना है। मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ अभी।
ये स्टार्टेड कन्वर्टिंग। तो पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे अभी क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। उसके बाद जो मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर है वीडियो सेव होने का, वो है कुछ डॉक्यूमेंट्स, वंडरशेल फिल्मोरा, उसके बाद आउटपुट। और ये यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे सेव हुआ है शायद से, नहीं यहाँ पे। तो मैं इसे अभी प्ले कर देता हूँ। तो ये प्ले होने के बाद ये देखो, ये कुछ तरीके से इस तरफ दिख रहा है। दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।